कभी सोचा है कि काठी रोल को काठी रोल क्यों कहते हैं? उसमें काठी क्या है? काठी शब्द आया है काठ से, नो बैम्बू स्क्यूअर्स जो होते हैं उस पे चिकन या मटन सिकता है, इसलिए उसको काठी कहा जाता है। और जब उस काठी पे मटन सिकता है, चिकन सिकता है, वो जाता है रोल के अंदर, इसीलिए काठी। और पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे बेहतरीन काठी रोल मिलते हैं तो वो है कोलकाता की सड़कों पर। कोलकाता के स्ट्रीट फूड में चार चांद लगा देने वाला ये काठी रोल आपको भी सिखाते हैं। चलिए हमारे साथ किचन में बनाते हैं कलकत्ता स्टाइल चिकन काठी रोल। कोलकाता स्टाइल चिकन काठी रोल बनाने के लिए आपको चाहिए बोनलेस चिकन, 2 इंच के टुकड़ों में कटा हुआ। इसे सीजन करिए स्वाद अनुसार नमक के साथ, सफेद मिर्च के पाउडर के साथ, जीरा पाउडर, बारीक कटा हुआ अदरक और लहसुन, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा सरसों का तेल। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर मैरिनेट होने रख दीजिए लगभग आधा घंटे के लिए। अब 2 मीडियम साइज की प्याज को बारीक बारीक स्लाइस कर लीजिए। अच्छी तरह हाथों से मसल कर प्याज को खोल दीजिए। आटा लगाने के लिए 1 कप मैदा में 1 छोटा चम्मच बूरा या शक्कर मिलाइए, 1/2 छोटा चम्मच नमक मिलाइए और 1 चम्मच घी मिलाकर उसे अच्छी तरह से गूंथिए। इसके बाद इसमें पानी मिलाकर एक सॉफ्ट डो तैयार कर लीजिए। आटे पर थोड़ा सा तेल लगाकर उसे 15 से 20 मिनट तक किसी गीले कपड़े से ढककर ढलने के लिए छोड़ दीजिए। अब एक कोयले को गैस पर गरम करिए। इस तरह से मैरिनेटेड चिकन में एक एल्यूमिनियम फॉइल की कटोरी लगाकर जलता हुआ कोयला उसमें डालकर 1 चम्मच घी ऊपर से डाल के उसे धुआं दीजिए। इससे आपके मैरिनेटेड चिकन में स्मोकी फ्लेवर अच्छे से आ जाएगा। अब चिकन के पीसेस को बैम्बू स्क्यूअर्स में लगाइए। एक तवे को हल्के से ऑयल से ब्रश करिए। और स्क्यूअर्स को गरम तवे पे रख के मीडियम फ्लेम पर इसे सेक लीजिए। ट्रेडिशनली ये ओवन में बनता है या सिगड़ी पे सिकता है। आप चाहे तो इसे पैन में बनाइए ग्रिल करके, आप चाहे तो इसे ओवन में बनाइए। बीच बीच में ऑयल की बेस्टिंग कर दीजिए ताकि चिकन जूसी रहे। जब चिकन अच्छी तरह से सिक जाए, स्टिक्स को पैन में से निकालकर एक बर्तन में रख दीजिए। अब थोड़ा सा सरसों का तेल गरम करिए, उसमें कटे हुए प्याज और कटी हुई शिमला मिर्च डालकर
हाई हीट पे अच्छी तरह स्टर फ्राई करिए। इसमें तैयार किया हुआ चिकन टिक्का डालिए और अच्छी तरह से मिलाइए। एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करिए और आपकी फिलिंग तैयार है। अब तैयार किए हुए आटे की एक रोटी बेलिए। अब ऊपर की सरफेस पे थोड़ा सा ऑयल लगाकर अच्छी तरह से रब करिए और इस तरह से सेंटर में से एक कट लगा के आप रोल करके एक फ्लावर बना लीजिए। इस फ्लावर को हाथ से प्रेस करके एक बॉल बना लीजिए और वापस इसे रोटी की शक्ल में बेलिए। इससे रोटी के अंदर बहुत अच्छी लेयर्स आ जाएंगी। अब इस रोटी को एक पैन में थोड़े से गरम तेल के अंदर डायरेक्टली सेकिए। दो कांटों की मदद से आप रोटी को घुमा सकते हैं और उसमें छेद कर सकते हैं ताकि रोटी फूलेगी नहीं। एक तरफ से सिक जाने के बाद इस रोटी को पलट दीजिए, दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से सेकिए। जब रोटी के ऊपर दोनों तरफ गोल्डन मार्क्स आ जाएं, तब उसे निकालकर एक किचन टॉवल पे रख दीजिए। और अब काठी रोल बनाने के लिए एक पेपर के ऊपर तैयार की हुई रोटी रखिए, उसमें तैयार की हुई चिकन की फिलिंग ऐड करिए, थोड़ा सा चाट मसाला डालिए, नींबू का रस डालिए और कागज की मदद से इसे रोल कर दीजिए। आपका कोलकाता स्टाइल चिकन काठी रोल बिल्कुल तैयार है। हमें उम्मीद है कि हमारी ये सीरीज कैफे भवानीपुर आपको पसंद आई होगी। एक छोटी सी कोशिश थी बंगाली खाने से आपको रूबरू कराने की। बंगाली क्यूजीन इज वेरी वास्ट। आप डूबते जाएंगे और फ्लेवर्स में गोते लगाते जाएंगे। तो हमने आपको एक जस्ट एक स्टार्ट दिया है। एक्सप्लोर करिए बंगाली क्यूजीन को, बंगाली कल्चर को, हमारे देश के प्रांतीय भोजन को। और अगली बार आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। फिर किसी स्टेट से कुछ नगीने, कुछ फ्लेवर्स निकाल कर लाएंगे किसी और सीरीज में। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।